नमस्ते। भारत में देश और दुनिया की तमाम बड़ी और जरूरी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त एक बड़ी खबर देते हैं। देखिए, अमेरिका पर तूफान ने कहर बरपाया है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे चली हवाओं ने अमेरिका के 5 राज्यों में भयानक तबाही मचाई है। तूफान के तांडव से कम 100 लोगों की जान जाने की खबर है। और एक के बाद एक कई आए तूफान और बर्बादी मचा कर गए। केंटकी में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, कई इमारतें ढह गई, घर उड़ गए, मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। अमेरिका के 5 राज्यों में तूफान ने तबाही मचाई है और केंटकी राज्य में सबसे ज्यादा तबाही का असर देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोगों के जान जाने की खबर है और ये संख्या और बढ़ सकती है। अब तक जो जानकारी मिल पाई है कि करीब 100 लोगों की मौत हुई है और हवाएं इस तूफान के दौरान 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हैं, जो मकानों को अपने साथ उड़ाकर ले गई हैं, पेड़ों को उखाड़ दिया है, गाड़ियों को उड़ा दिया है और चारों तरफ केवल तबाही और तबाही नजर आ रही है। पूरा का पूरा शहर टूटा फूटा बिखरा हुआ, बिल्कुल बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, अमेरिका की तस्वीरें हैं जहां पर तूफान की वजह से किस कदर तबाही मची है। सब कुछ तहस नहस हो गया मानो। और अमेरिका के 5 राज्यों में तूफान की वजह से यही हालात देखने को मिल रहे हैं, लेकिन केंटकी में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। हालांकि राहत और बचाव कार्य बहुत तेजी के साथ चलाया जा रहा है, लेकिन तूफान की वजह से मरने वालों की संख्या अब तक जो सामने आई है वो 100 के करीब है। और जिस तरह की तबाही मची है, क्योंकि अभी बहुत जगहों से मलबा हटाना बाकी है, उनको हटाया जाएगा, लोगों को निकालने की कोशिश की जाएगी, ढूंढने की कोशिश की जा रही है, तो संख्या और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन चार तूफानों ने, एक के बाद एक आए चार तूफानों ने किस तरह से अमेरिका में कहर बरपाया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और खास करके केंटकी राज्य में, हालांकि 4 राज्यों में तूफान ने कहर बरपाया, लेकिन केंटकी पे सबसे ज्यादा असर इन तूफानों का देखने को मिला, जिसकी वजह से चारों ओर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, पूरे के पूरे घर तहस नहस हो गए, बिल्डिंग्स तहस नहस हो गई, सड़कें भी अभी इस हालात में फिलहाल ज्यादातर जगहों पर नहीं रही कि उन पर गाड़ियां चल सकें, लेकिन उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है, ठीक साफ करने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो मदद है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। इसके अलावा लोग जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं उनको अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू सेंटर्स में ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग सुरक्षित रहें और जिनको जरूरत है उनको उचित इलाज दिया जा सके। तस्वीरें आप अमेरिका की देख रहे हैं। 5 राज्यों में तूफान ने भारी तबाही मचाई है, खास करके केंटकी में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। और चार तूफान, एक के बाद एक चार तूफान आए, और तूफान जिस वक्त आ रहे थे उस वक्त हवा की रफ्तार करीब करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। और उसके बाद अंदाजा लगाइए पूरे के पूरे घर की छत को इस तेज हवा के तूफान ने उखाड़ कर रख दिया। ABP News आपको रखे आगे।